नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा। सरकारनामा में हम प्रदेश की सियासी या देश के सियासी हलचल की बात करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इन सब की जो जो हलचल होती है, जो कुछ हरकतें होती हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में सरकारनामा में हम बताते हैं। आज जिस घटना के बारे में सरकारनामा में हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये घटना अगर कहें तो बिहार की सियासत के लिए ही नहीं बल्कि बिहार की आम जनता के लिए भी बेहद दुखदायी और शर्मनाक कही जा सकती है। क्योंकि बिहार विधानसभा में जो कुछ भी हुआ, सदन के भीतर जो कुछ भी हुआ, वो शर्मनाक था और कह सकते हैं कि सदन की कार्यवाही के लिए एक काले दिन के समान था। क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक न सिर्फ जुबानी जंग करते नजर आए बल्कि उसके बाद दोनों खड़े हुए और आपस में जो धक्का मुक्की और मारपीट हुई, वो सदन के इतिहास में जाहिर तौर पर एक बुरे दिन के तौर पर याद किया जाएगा। दरअसल मामला शुरू हुआ नेता प्रतिपक्ष के संबोधन से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना संबोधन दे रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरा और घेरते घेरते वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद होता है। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री पर उप मुख्यमंत्री पर हमलावर हुए, अचानक से सत्ता पक्ष की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई। बयानबाजी भी हुई तो बहुत तीखे अंदाज में हुई। तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया गया। फिर इधर से विपक्ष से कुछ और सदस्यों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी। सत्ता पक्ष से फिर पलटवार हुआ और इस बीच सदन में स्पीकर जो थे, सदन के जो अध्यक्ष थे, वो लगातार गुजारिश करते रहे लोगों से कि लोग शांत रहें, जो विधायक हैं, जो सदस्य हैं सदन के, वो शांत रहें। लेकिन स्पीकर की बातों को अनसुना करते हुए, स्पीकर की अपील को अनसुना करते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक पहले तो जुबानी जंग करते रहे और अचानक से सभी विधायक उठे और उठने के बाद एक दूसरे के खेमे में पहुंचकर हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई शुरू हुई, धक्का मुक्की शुरू हुई, यहां तक कि कुछ सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि एक दूसरे पर बहुत सारे सदस्यों ने अपना जो हेडफोन था वो निकाल कर फेंका, जिससे कई लोगों को चोट आई या फिर कई लोगों को गंभीर चोट आ सकती थी, तो लोगों ने बचाने की कोशिश की। और इस पूरे घटना के दौरान स्पीकर की आवाज़ लगातार गूंजती रही। स्पीकर बार बार चेतावनी देते रहे, अपील करते रहे कि सदस्यों को गरिमामयी व्यवहार करना चाहिए, गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये थी कि ये सदस्य आपे से बाहर हो गए थे। हकीकत ये थी कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो, ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष ने कोई कमी छोड़ी थी। सत्ता पक्ष की तरफ से भी जिस तरह के बयान दिए गए, जिस तरह की टीका टिप्पणी हुई, वो अशोभनीय ही थी। और विपक्ष की तरफ से विधायकों ने उठकर अचानक से सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर हाथापाई शुरू कर दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ पूरा माहौल। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। स्थगित करने के बाद बैठक हुई। स्पीकर ने सदन को सुचारू रूप से चलने के लिए सबसे आपस में बातचीत की, सभी दलों के साथ बैठक की। और बैठक के बाद एक बार तय हुआ फिर से कि फिर सदन की कार्यवाही शुरू की जाए और सभी खेमे के विधायक जो हैं वो बारी बारी से अपनी बात रखें ताकि जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाए। और वही हुआ। कुछ देर जब सदन की कार्यवाही स्थगित रही, उसके बाद फिर से एक बार सदन की कार्यवाही शुरू होती है। सभी दल के विधायक सदन में पहुंचते हैं, स्पीकर पहुंचते हैं और फिर सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हो, सत्ता पक्ष की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो। सभी के विधायकों ने, सभी के सदन के जो नेता थे, विधायक दल के नेता थे, उन सब ने अपनी अपनी बात रखी और कहा कि स्पीकर जो चाहते हैं या स्पीकर ने जो नियमावली समझाई है, हम सब उसका पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ये घटना दोबारा ना हो। अच्छी बात ये रही कि जो घटना हुई वो जाहिर तौर पर शर्मनाक थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अच्छी बात उसके बाद ये रही कि स्पीकर के समझाने के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा जब शुरू हुई तो सभी सदस्यों ने एक स्वर में माना कि जो कुछ भी हुआ था वो बेहद अशोभनीय था और निश्चित तौर पर शर्मनाक था। स्पीकर के कहने के बाद शुरुआत की थी इस पर खेद जताने की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और हम सब जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सबकी कमी की वजह से हुआ है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सबको कहीं ना कहीं अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। उसके बाद सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। फिर सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि जो हुआ वो अशोभनीय था और हम सुनिश्चित करते हैं कि आगे से सदन की जो नियमावली है उसका पालन होगा और गरिमापूर्ण तरीके से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। कुल मिलाकर इसके बाद ही सदन की कार्यवाही दिन भर की जो थी वो समाप्त हुई। यानी सुखद अंत जरूर हुआ, लेकिन उससे पहले जनता ने जो कुछ देखा वो बेहद शर्मनाक था।
कुल मिलाकर ये खबर आपको हम बताना चाह रहे थे कि सदन में किस तरह से नोकझोंक होती है और नोकझोंक किस तरह से मारपीट में बदल जाती है, ये आज बिहार में बिहार की जनता ने बिहार विधानसभा के अंदर देखा था। तो सरकारनामा में आज बस इतना ही आपको बताने हम आए थे और फिर एक बार लौटेंगे तो कुछ और सियासी हलचल के बारे में आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी, ये खबर अगर पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और इस पर कमेंट करिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और बेहतर आपके लिए कर सकें। और इसके अलावा हमारा जी बिहार झारखंड का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे सरकारनामा में किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।